हेलो एवरीवन, आज आपको बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व बताने जा रहे हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है। मतलब बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करता है या साइज इंक्रीज करता है तो किस तरह से ग्रोथ होता है बैक्टीरिया में, उसके बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट बताएं वो यहाँ देख सकते हैं कि बैक्टीरिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन एंड सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल। तो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है बैक्टीरिया। बाइनरी फिजन का मतलब अगर समझना चाहे तो बाई मतलब दो होता है, फिजन मतलब ब्रेक डाउन करना होता है, टूटना। तो एक सेल जो है इसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बनाएगा और फिर उससे एक सेल से डिवाइड होकर के, ये इक्वल हाफ टू हाफ्स में डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देता है, एक ब्रेक डाउन होकर के। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन से बैक्टीरिया जो है डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना देता है। और एक सेकेंड पॉइंट जो लिखा है कि न्यूक्लियर डिवीजन प्रिसीड सेल डिवीजन, यानी कि पहले जो है सेल का एक न्यूक्लियस है, पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर जा करके सेल डिवाइड करता है। तो यही लिखा है कि न्यूक्लियर डिवीजन प्रिसीड करता है सेल डिवीजन। उसके बाद है मतलब ये कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर सेल डिवाइड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ मे बी कंसीडर्ड एज टू लेवल। दो लेवल पे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो कंसीडर होता है, डिपेंड करता है। एक तो बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज करता है, दूसरा बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज करता है। उसके बाद है कि ग्रोथ इन नंबर कैन बी स्टडीड बाय बैक्टीरियल सेल काउंट डेट एंड डेट ऑफ टोटल एंड वेबल काउंट। यानी कि बैक्टीरिया का जो नंबर इंक्रीज करता है, बैक्टीरिया का काउंट जो किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है, एक तो टोटल काउंट बोलते हैं और एक वेबल काउंट बोलते हैं। ये दोनों को देख लेते हैं। तो टोटल काउंट कब बोलते हैं, गिव्स द नंबर ऑफ सेल आइदर लिविंग और नॉट। मतलब कि बैक्टीरिया, चाहे वो बैक्टीरिया लिविंग बैक्टीरिया हो चाहे डेड हो चुका हो, सारे को अगर काउंट कर लेंगे तो टोटल काउंट बोलेंगे। लेकिन उसमें से जितने भी सिर्फ वैसे बैक्टीरिया को मेज़र करेंगे या गिनेंगे जितने लिविंग सेल हैं उतने को ही काउंट करेंगे, तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको वियेबल काउंट कहा जाता है। पूरे के पूरे को गिन लिया, लिविंग हो चाहे डेड, तो वो टोटल काउंट, और सिर्फ लिविंग को काउंट किया तो वो होता है वियेबल काउंट। इसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो दिया है, इसमें क्या बताया ये देख लीजिए। व्हेन बैक्टीरिया ग्रोन इन अ सूटेबल लिक्विड मीडियम, जब किसी एक लिक्विड मीडियम जो ग्रोथ मीडियम होता है, मतलब वो यहाँ नेचुरल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कल्चर मीडियम लेकर के और उसमें बैक्टीरिया को हम ग्रो करा रहे हैं तब की बात कर रहा है, उसको बैक्टीरियल मीडियम सूटेबल, जो भी जिस भी बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग मीडियम सूटेबल होता है। कोई किसी में ग्रो कर सकता है, कोई दूसरे में ग्रोथ कर सकता है। तो एक बैक्टीरिया का एक सूटेबल लिक्विड मीडियम ले लेना है, उसको इनक्यूबेट करना है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जितने पर वो ग्रो करेगा उसको 18-24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है ग्रो करने के लिए। तो उसके बाद बोल रहे हैं, बैक्टीरियल काउंट आर कैरिड आउट एट इंटरवल आफ्टर इंक्यूबेशन एंड प्लॉटेड इन रिलेशन टू टाइम। ग्रोथ कर्व बनाया जाता है, मतलब उसमें ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, अब टाइम टू टाइम बैक्टीरिया का ग्रोथ देखेंगे कि इतने इतना टाइम जब हो गया तो बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या हुआ है, कितना हुआ है, इस चीज़ को देखते जाना। और उसी बैक्टीरिया के ग्रोथ को, चाहे वो साइज़ में इंक्रीज़ कर रहा है, चाहे वो नंबर में इंक्रीज़ कर रहा है, चाहे नहीं इंक्रीज़ कर रहा है, इन सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम देखते जाना है। और उसी पे क्या करना है, बैक्टीरिया का एक ग्रोथ कर्व बनाया जाता है। तो टाइम लिया जाएगा और ग्रोथ देखा जाएगा जब बैक्टीरिया को के का ग्रोथ कर्व बनाएंगे। तो जो कर्व बनाते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्व इस तरह का है, इधर नंबर ऑफ बैक्टीरिया है और इधर टाइम है। तो ये पहला वाला लैग फेज़ है, जो कि टाइम के साथ जो है तब नंबर इंक्रीज़ नहीं किया है, साइम इंक्रीज़ बस किया है। लॉग फेज में देख रहे हैं जो नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर नहीं किया है, यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है यानी कि घटने लगा। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि लॉग और लैग और स्टेशनरी जो दिया हुआ है वो होता क्या है। तो सबसे पहले लैग फेज दिया है, तो लैग फेज कहने का मतलब होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया को तुरंत जो है इनक्यूबेट किया जाता है, मतलब ग्रो करने के लिए छोड़ा जाता है, तो नंबर इंक्रीज फॉरन ही इमिडिएट फॉलोइंग देर इज़ नो अप्रिशिएबल इन नंबर। मतलब तुरंत का तुरंत नंबर इंक्रीज़ नहीं करेगा, सिर्फ उसका क्या इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। इनिशियल पीरियड में, स्टार्टिंग में जो है सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, नंबर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, तब उसको क्या कहते हैं, लैग फेज कहते हैं। उसके बाद है दूसरा लॉग फेज। लॉग फेज क्या होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहा जाता है, जब इंक्रीज़ कर रहा है,
एक्सपैंड कर रहा है, नंबर इंक्रीज कर रहा है, स्टार्ट सेल सेल जो है बैक्टीरिया का सेल स्टार्ट कर देता है डिवाइड करना, जब डिवाइड करने लगता है तो नंबर इसका क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है, तो नंबर इंक्रीज करने लगे तो लॉग फेज कहलाएगा। यही डिफरेंस दोनों में याद रख सकते हैं, जब नंबर नहीं इंक्रीज कर रहा सिर्फ साइज इंक्रीज कर रहा तो लैग फेज, और जब साइज नहीं बल्कि नंबर इंक्रीज कर रहा है तब उसको लॉग फेज, साइज इंक्रीज करेगा लैग फेज, नंबर इंक्रीज करेगा लॉग फेज, ये इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज कहने का मतलब होता है, स्टेशनरी का कहने का मतलब ही तो होता है स्टेबल होना, यानी कि रुक जाना, यानी कि सेल डिवीज़न और उसका जो इंक्रीज करना साइज होता है वो दोनों ही रुक जाता है, जब ना ही साइज इंक्रीज कर रहा है और ना ही नंबर इंक्रीज कर रहा है तब उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज कहा जाता है, जिसमें वेबल काउंट रिमेन स्टेशनरी, वेबल काउंट जो लिविंग सेल होता है वो स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है, उतना ही रहता है एंड बिटवीन द डाइंग सेल एंड न्यूली फॉर्म सेल, यानी कि सेल मर भी नहीं रहा है वहाँ पे और नया बन भी नहीं रहा है, बिल्कुल ही रुका हुआ है, तो वो फेज क्या कहलाता है, वो फेज स्टेशनरी फेज कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं फेज ऑफ डिक्लाइन पे, फेज ऑफ डिक्लाइन किसको कहते हैं, तो जब नंबर डिक्रीज करने लगे यानी कि सेल डेथ करने लगेगा, जिसकी वजह से नंबर उसका क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पॉपुलेशन इसका डिक्रीज करने लगेगा, तो उसको कहते हैं डिक्लाइन फेज, फेज ऑफ डिक्लाइन या डिक्लाइन फेज। तो ये चार फेज होता है, अब इसको यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, नंबर इनकेस नंबर और इधर टाइम देना है, अब ये लैग फेज जो हो रहा है तो नंबर यहाँ ये नंबर दिया हुआ है तो नंबर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ साइज इंक्रीज करता है, अब यहाँ पे ये बढ़ रहा है यानी लॉग फेज में नंबर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे वापस से ये रुक जाता है, ना नंबर इंक्रीज करता है ना साइज, और नीचे की तरफ जब जा रहा है इसका मतलब है कि सेल डेथ करने लगता है, बैक्टीरिया सेल डेथ करने लगता है, और ये कहलाता है डिक्लाइन फेज। तो ये था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, अगर इसमें से भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।